भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम जान लें कि संविधान होता क्या है। देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए जिन मूलभूत नियमों कानूनों की आवश्यकता होती है उसके का प्रलिखित संकलन को हम संविधान के नाम से जानते हैं। जब देश आजाद हुआ 1947 में, तब एक बहुत बड़ा प्रश्न ये था कि अब देश की व्यवस्था किस कानून या नियमों के अनुसार चलेगी। क्योंकि हम अंग्रेजों से आजाद हो रहे थे तो निसंदेह हम अंग्रेजों के कानून उनके तौर तरीकों को तो लागू करने से रहे, इसलिए हमें आवश्यकता थी ऐसे अपने संविधान की जिसके अनुरूप हम अपने सपनों का भारत बना सके। तो इसके लिए 1946 का जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था उसकी अनुशंसाओं के अनुरूप एक संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें श्री सच्चिदानंद सिन्हा को पहले एक अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। दो दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक हुई और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। चूंकि संविधान सभा में 300 से ज्यादा मेंबर थे तो कार्य को सही रूप से संचालित करने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक सतत कार्य करके 11 अधिवेशनों और 166 मीटिंग करने के बाद इस संविधान को तैयार किया और 26 नवंबर 1949 को यह संविधान बनकर तैयार हो गया, जिसे हमने 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया और भारत एक गणतंत्र बना। अब हमें देखना है कि जो संविधान सभा हमारे महानेताओं ने हमें दी उसकी क्या विशेषताएं थी, इस संविधान की क्या विशेषताएं थी। पहली जो विशेषता है वो लिखित वो विशाल संविधान। भारतीय संविधान न केवल लिखित है बल्कि ये विश्व की विशाल संविधानों में से एक है। इस संविधान की हर चीज लिखित रूप में है, यहाँ कोई भी चीज परंपराओं या अनुमानों पर नहीं छोड़ दी गई है। हर मतलब मौलिक अधिकारों से लेकर कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्वों से लेकर चुनाव आयोग की नियुक्ति तक सभी चीज लिखित रूप से दी गई है, इसलिए ये लिखित एवं विशाल संविधान है। दूसरा, कठोर एवं लचीलेपन का समिश्रण। यह कठोरता और लचीलेपन से तात्पर्य यह है कि हमारे संविधान में संशोधन की 3 स्थितियां दी गई हैं। एक वो जिसमें साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, दूसरी वो जिसमें विशिष्ट बहुमत जिसे हम कह सकते हैं 2/3 बहुमत से संविधान में संशोधन किया जाता है, तीसरी स्थिति वो होती है जिसमें न केवल 2/3 संशोधन 2/3 बहुमत बल्कि विधानसभाओं की आधे से अधिक विधानसभाओं की सहमति के बाद ही हम कोई संशोधन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान कठोरता व लचीलेपन का एक आदर्श सम्मिश्रण है। तीसरी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका तात्पर्य है कि भारतीय संविधान है वो पूर्णतः संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, इस पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है। हम अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी भी निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। समाजवादी एवं पंथ निरपेक्षता। समाजवादी से तात्पर्य एक ऐसे समाज के लिए संकल्पित होना जहां समता हो, जहां समाज के सभी वर्गों को समान हित या विकास के लिए काम किया जाए। तो हमारा संविधान ऐसे समाजवादी समाज को बनाने के लिए संकल्पित है। एवं पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य का अपना कोई विशिष्ट धर्म नहीं होता बल्कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समानता का बर्ताव करता है। उसके लिए सभी धर्म समान है और वो सभी धर्मानुयायी जनता को अपना धर्म मानने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। चौथी विशेषता जो है हमारे संविधान की, संसदीय शासन प्रणाली। हमारा संविधान संसदीय शासन प्रणाली के अनुरूप व्यवस्था कायम करता है जिसमें संसद सर्वोच्च है। देश की सर्वोच्च शक्ति संसद है। यहाँ राष्ट्रपति सिर्फ एक नाममात्र की कार्यपालिका के रूप में है, मंत्रिपरिषद संसद के प्रतिनिधि के रूप में एक सर्वोच्च संस्था रूप में कार्य करती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। हमारा संविधान एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था करता है और इस न्यायपालिका को संविधान के संरक्षक या रक्षक का दर्जा देता है। ये
स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका इस प्रकार से गठित की गई कि ये कार्यपालिका और विधायिका पे नियंत्रण रखे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का संविधान दुनिया के विशिष्ट संविधानों से एक है, और यही वजह है कि आज आजादी के इतने सालों बाद भी इस संविधान के तहत भारत एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के रूप में